हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली के मशहूर आलू चाट। मैं किस तरह से आलू चाट बनाती हूँ, आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आलू चाट किस तरह से बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये चार आलू को उबाल कर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तेल मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। और इसके लिए जो मसाले मुझे चाहिए वो है लाल मिर्ची पाउडर, नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, हरी चटनी, धनिया, नींबू का रस, इमली की चटनी। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी आलू चाट। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें आलू डालते हैं और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलते हैं। शाम में खाने के लिए ये बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक है। चाट सबको पसंद है और खासकर जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको चाट, गोलगप्पे, पापड़ी ये सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने कुछ ट्राई किया है कि मैं उस तरह से बनाऊं। एक बार में जितने आलू आते हैं उतने ही हम डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और इसे थोड़ा सा हिलाते हैं। हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। फ्राई हो चुके हैं, अभी इसको हम निकालते हैं इस बर्तन में। देखिए, जैसे आपको इसके साउंड से पता लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं। चाट बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये हमारे देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसमें हम दोनों तरह की चटनी डालेंगे। अभी इसमें हम इमली की चटनी डालेंगे। अभी इसमें हम हरी चटनी डालेंगे। नींबू का जूस डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। देखिए कैसा क्रिस्पी है एकदम, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब मसाले। तो चलिए इसे मैं अभी सर्व करती हूँ। तो देखिए हमारी आलू की चाट बनकर तैयार है। बहुत क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप बनाइए और ट्राई कीजिए घर में कैसी बनी है। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।